राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस खेमे का अंदरूनी कलह जग जाहिर हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का जो विवाद है वह अब तक नहीं थमा है। लेकिन दूसरी ही तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर अलग अलग अटकलें तेज हुई और इन अटकलों पर विराम भी लगा दिया गया। लेकिन अब वसुंधरा राजे को कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। मोदी सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे को अब 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और जिम्मेदारी मिलने के बाद वह पहुंच गई झारखंड। झारखंड में उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अहम जिम्मेदारियां मिली हैं, ऐसे में वसुंधरा राजे ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। वह झारखंड पहुंचकर जेएमएम पर और कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसती हुई नजर आई हैं। हेमंत सोरेन सरकार को उन्होंने एक बेहद बड़ी चुनौती दे दी है। क्या कुछ कहती हैं वसुंधरा राजे, ये आपको बताते हैं। दरअसल झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर नजर आई वसुंधरा राजे और उन्होंने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। दुमका में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना रहा, सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स किए गए हैं उसके मुताबिक सामने आया, झारखंड में 3 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, इसके बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, मुख्यमंत्री जी को जरूर रोजगार मिल रहा है, उनके पास खदाने हैं, लालों ने भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों से साठ गांठ कर सेना की जमीन तक बेच डाली, जिससे जनता वाकिफ है। उनका कहना रहा कि जिस राज्य का सीएम अपने लिए खदान आवंटित कराता हो, उस प्रदेश का उत्थान कभी संभव नहीं हो सकता। जेएमएम के गढ़ कैराबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर कहा कि बीते पिछले 40 वर्षों में सोरेन परिवार का यहाँ राज कायम है, लेकिन फिर भी खनिज संपदा संपन्न इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने समय में वे चाहते तो इस क्षेत्र को स्वर्ग बना सकते, लेकिन वे अपने रोजगार ढूंढने में लगे रहे। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की। उनका कहना रहा कि आपको याद तो होगा ही, पहले अखबारों में बम ब्लास्ट की हेडलाइन से मन आहत हो जाता था, अब शांति समृद्धि की खबरों से मन खुश हो जाता है। आज बड़े बड़े देश मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, युवाओं को विश्वास मजबूत हो रहा है। मोदी जी की सोच है कि रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। मोदी सरकार के 9 वर्षों में हुए कामों को लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि मोदी है तो मुश्किल नहीं है, कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि अब दुनिया भी मानने लगी है कि 21वीं सदी की भारत की है। तो अब देखा जाए, यहां पर वसुंधरा राजे ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब देखते हैं कि यहां पर झारखंड जब वह पहुंची तो झारखंड की जनता कितनी इंप्रेस होती है और आने वाले समय में जब यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, वहीं दूसरी ही तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, तो वसुंधरा राजे की यह हुंकार क्या वाकई में बीजेपी को जीत दिला पाएगी या फिर नहीं। देखना दिलचस्प यह होगा, क्या वसुंधरा राजे को सीएम पद की दावेदारी के लिए इस बार आगे किया जाएगा या फिर नहीं, यह वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।